हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये पति और पत्नी दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 9 क्या है, इसको फाइल करने की लीगल प्रोसीजर क्या है, कौन इसको फाइल कर सकता है, कहाँ इसको फाइल किया जा सकता है, और इसको अगर फाइल किया जाता है तो इसके आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सब बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के विषय को। हमारा आज का विषय है सेक्शन 9। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेक्शन 9 को फाइल करने का अधिकार किसको है। तो ये सेक्शन 9 जो है ये पति या पत्नी दोनों में से किसी के भी द्वारा फाइल किया जा सकता है, यानी कि इसका राइट दोनों ही पार्टी को है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मैरिज करी, स्पेशली लव मैरिज करी, और कुछ समय के बाद जब पत्नी जो है मायके चली गई, वहाँ पर उसके घर वालों ने उसे समझाया बुझाया और उनके प्रभाव में आकर वापस नहीं आई, आपने बहुत कोशिश करी वो फिर भी वापस नहीं आई, तो उसको वापस लाने के उद्देश्य से आप जो यह सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार ये भी होता है कि शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी को छोड़कर चला गया और दूसरी जगह जाके रहने लगा। अब ऐसे केस में जो पत्नी है वो भी अपने पति के खिलाफ सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर सकती है और उसका लाभ उठा सकती है। अब जब ये सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है तो यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपने जिस भी पार्टी के खिलाफ ये पिटीशन फाइल की है वो दूसरी पार्टी, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिसीजन यानी कि एक पक्षीय निर्णय करके इसको फाइनल कर सकती है, इसका डिसीजन आपके फेवर में कर सकती है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो दूसरी पार्टी है वो इसकी सूचना मिलने पर कोर्ट में उपस्थित होती है और आने के बाद आरोप लगाती है। उदाहरण के लिए, यदि अपने आपने पत्नी को वापस लाने के लिए सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है और पत्नी कोर्ट में अपीयर होकर ये कह देती है, ये आरोप आप पे लगा देती है कि ये मुझे मारता पीटता है या किसी और तरह से प्रताड़ित करता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो ऐसे केस में फिर दोनों ही पार्टी से कोर्ट एविडेंस लेगी, उनको बहस जिरह करने के मौके मिलेंगे और आखिरी में दोनों पक्षों को देखते हुए कोर्ट को जो सही लगेगा उसके फेवर में वो अपना जजमेंट दे देगी। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। कई बार ये होता है कि आपकी पत्नी शादी के बाद मायके चली गई, लेकिन उसके बाद भी वो आपके पास आकर रहना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप यानी मायके वाले ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने सेक्शन 9 फाइल किया है और वो पत्नी, आपकी पत्नी कोर्ट में आकर आपके फेवर में गवाही दे देती है और बता देती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ जाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में जो कोर्ट है वो आपके फेवर में डिसीजन दे देती है और आपका घर बच सकता है। सेक्शन 9 की पिटीशन है ये आप वहाँ पर फाइल कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। पिटीशन को फाइल करते हुए उसमें लिखा जाता है कि मेरी पत्नी बिना किसी युक्ति युक्त कारण के मुझे छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। इसके साथ साथ इसमें दिनांक जरूर खोल देनी चाहिए कि किस तारीख को आपकी पत्नी वहाँ से चली गई थी। अब जब आप ये पिटीशन फाइल कर देते हैं, इस पिटीशन के आपको बाद में कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ लाभ मिलते हैं। तब हम जानते हैं कि सेक्शन 9 के हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि आप पति हैं अब और आपने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, तो आपको इसके क्या लाभ मिलते हैं। बाद में जब जो पत्नी है वो आप पर कभी क्रूरटी का मुकदमा या दहेज का मुकदमा दर्ज करती है अंडर सेक्शन 498 IPC में, तो वहाँ पर जब पुलिस आपको बुलाएगी तो वहाँ पुलिस को बता सकते हैं कि मैंने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, ये उसकी कॉपी है और इतनी तारीख को मैंने फ़ाइल किया था और इसमें क्लियरली लिखा है कि इतनी तारीख से मेरी पत्नी मेरे साथ रह ही नहीं रही है। तो जब मेरी पत्नी मेरे साथ रह ही नहीं रही है तो मैंने उससे क्रूरटी कैसे कर ली। तो ऐसे केस में क्लियर हो जाता है कि वो आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा रही है। सेक्शन 9 के मुकदमे का जो दूसरा बेनिफिट है वो आपको ये मिलता है कि आप इसके बाद अपने ऊपर होने वाले हर मुकदमे में ये बात कह सकते हो कि मैंने सेक्शन 9 फाइल किया हुआ है, इट मीन्स मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, वो ही नहीं रहना चाहती। यानी कि बाद में जब आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC
या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट या क्रूरटी का एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज कराती है, तो उसके बाद आप कोर्ट में हर मामले में ये बात कह सकते हो कि मैंने तो सेक्शन 9 फाइल किया था, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता था, अपने घर को बचाना चाहता था, लेकिन ये खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसे केस में जो कोर्ट होती है उसका रुख कहीं ना कहीं आपकी तरफ हो जाता है, उसे लगता है कि ये आदमी जो है अपने घर को बचाना चाहता है, लेकिन ये जो लड़की है यही नहीं जाना चाहती, तो ये आपके लिए एडवांटेज साबित हो जाता है। तीसरा जो आपको इसका बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप सेक्शन 9 की पिटीशन डालते हो, तो जब आपकी वाइफ कोर्ट में उसका जवाब देने आती है अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो हो सकता है कि जवाब देते हुए जवाब में कोई बात ऐसी आ जाए जो आपके फेवर की हो। अगर ऐसी कोई बात आ जाती है तो आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवा सकते हो, और आगे आपके ऊपर वो जो भी मुकदमे दाखिल करती है उसमें आप उसको उसकी एक कॉपी लगा सकते हो कि इसने यहाँ पे ऐसा कहा था, क्योंकि वो आपके फेवर की बात है। तो कोर्ट उसको हमेशा हर मुकदमे में सुनेगी और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सेक्शन 9 का मुकदमा है इससे क्लियर होता है कि इतनी तारीख को आपकी पत्नी चली गई। अब देखिए, मुकदमा चलने में भी कुछ समय लगता है, तो अब मुकदमा अगर चल रहा है और चलते चलते मान लिया अगर 1 साल भी हो जाता है और उससे कुछ समय पहले पत्नी आपके साथ रही भी हो गई, फिर उसके बाद गई होगी, अगर आप सारा समय मिला लीजिए 1.5 साल भी हो जाते हैं, तो हमारा ये कानून है कि अगर 2 साल तक शादी के बाद पत्नी आपके साथ नहीं रहती है तो ये डायवोर्स का ग्राउंड होता है। तो अगर इस बात को 2 साल हो जाते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं मुकदमे में, तो आपको ये डायवोर्स का ग्राउंड भी मिल जाता है। और कई बार सेक्शन 9 के मुकदमे में पत्नी खुद ये बात कह देती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो अगर उसने ये बात कही है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके डायवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं जब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रही तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं तो डायवोर्स ही लूँगा, तो ये भी आपका एक ग्राउंड बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो सेक्शन 9 का मुकदमा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पति और पत्नी दोनों फाइल कर सकते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर फाइल किया जा सकता है, और फाइल करने के बाद आपको बहुत एडवांटेज मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।